गुड मॉर्निंग टू ऑल, माय सेल्फ अमन। आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी। 200 ग्राम बॉइल्ड पोटैटो, 2-3 टेबलस्पून चॉप कैप्सिकम, 1/2 टेबलस्पून चॉप जिंजर, 1 टीस्पून चॉप ग्रीन चिली, 2 टेबलस्पून चॉप बीन्स, फ्रेश चॉप कोरिएंडर लीव्स, बॉइल्ड पीस 2 टेबलस्पून, कॉलीफ्लावर 2 टेबलस्पून बॉइल्ड, 1 लेमन, घिया 2 टेबलस्पून बॉइल्ड, कैरेट 2 टेबलस्पून बॉइल्ड, 1 लार्ज डाइस ऑनियन, 1 लार्ज चॉप्ड टोमेटो, ग्रीन चिली, किचन किंग 1 टीस्पून सॉल्ट टू टेस्ट, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, देगी मिर्च 1 टीस्पून एंड बटर 2 टेबलस्पून। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 3-4 बड़े चम्मच ऑयल को गर्म करेंगे। देन इसमें जिंजर एंड ग्रीन चिलीज को हल्का सा सौते करेंगे। देन हम इसमें अपने ऑनियन को ऐड करके अच्छे से फ्राई करेंगे। ऑनियन के सौते होने के बाद हम इसमें अपने चॉप टोमेटो को ऐड करेंगे, जिसे अच्छे से भुनेंगे। अब हम इसमें अपने सभी मसाला ऐड करेंगे। किचन किंग गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, मसाला अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसमें अपनी सभी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। बॉयल आने के बाद हम मैशर की हेल्प से अपनी सभी वेजिटेबल्स को अच्छे से मैश करेंगे। मैश करने के बाद इसे 4-5 मिनट अच्छे से बॉयल करेंगे। वेजिटेबल्स अच्छी तरह मैश होने के बाद हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे एंड इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पाव भाजी सर्व करने के लिए हम अपने
पाव को रेडी करेंगे। इसके लिए हमें एक नॉन स्टिक पैन में या तवे के ऊपर थोड़ा सा बटर, जीरा एंड फ्रेश कोरिएंडर लीव्स को मेल्ट करेंगे। देन अपने पाव को इसके हेल्प से सेकेंगे। पाव रेडी होने के बाद हम पाव भाजी को सर्व करेंगे। इसके लिए प्लेट साथ में भाजी, गार्निशिंग के लिए बटर एंड चॉप कोरिएंडर लीव्स से सर्व करें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल RTIIT Academy।